गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना टाइम इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं डिनर में बनाने लगा हूँ चिकन की एक रेसिपी। तो चिकन ग्रेवी हम बनाने लगे हैं। चिकन 1/2 kg मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है और प्रेपरेशन मैंने कर ली है। प्याज लॉन्ग स्लाइसिस में कट कर लिए हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची इनको भी पीस कर रख लिया है। टमाटर को मैंने ग्रेवी कर लिया है। तो ये जो मसाले हैं वो चिकन में डलते ही डलते हैं। अब आते हैं सूखे खड़े मसालों की ओर। अब दोस्तों चिकन ग्रेवी बनाने लगे हैं तो उसमें टेस्ट तो सूखे मसालों से ही आएगा। तो ये सब मसाले हमारे पास नॉर्मली घरों में होते हैं, लेकिन कौन सा मसाला कितना डालें और कोई मसाला ज़्यादा हो जाएगा तो उससे टेस्ट ख़राब तो नहीं हो जाएगा, टेक्सचर कैसे आएगा, हल्दी कितनी डालनी है, मिर्चें कम डालनी है या ज़्यादा, छोटी इलायची बड़ी इलायची या लौंग काली मिर्च, कौन सा मसाला डालें और कौन सा नहीं डालें। तो ये सब सवाल जब हम चिकन बनाने लगते हैं, वेज या नॉन वेज कोई भी रेसिपी बनाने लगते हैं, तो उसमें आते ही आते हैं। तो कभी कभार लगता है कि इसके लिए एक ऐसा मसाला होता है जिसमें सिर्फ हम मसाला डालते और सारी हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती। तो मार्केट में मैंने और भी मसाले देखे, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा मसाला कितना डालना है, कैसे डालना है, और 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, क्योंकि सबके घरों में एक जैसे चम्मच तो नहीं होते, तो नाप के भी डालें तो कैसे डालें। तो दोस्तों मार्केट में मैंने देखा एक मसाला डीएमए डिलीशियस, इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मैंने यूज़ किया है वो आपको बताने लगा हूँ। तो बिल्कुल फ्रेश मसाले हैं, काफ़ी ऑथेंटिक हैं और इसमें हर तरह के मसाले आपको मिल जाएंगे। अमेज़ोन पे ही अवेलेबल हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बिल्कुल फ्रेश। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं इसकी पैकेजिंग में कि कितना फ्रेश ये मसाला आपको मिलेगा। तो अब सूखा मसाला कितना, कौन सा कितना डालना है, ये सारा झंझट हमारा दूर कर देगा डीएमए डिलीशियस। तो FSSAI से अप्रूव्ड है और इसमें बिल्कुल लिखा रहता है कि आपको, जैसे ये 35 ग्राम का पैकेट है, तो 1 kg ऑफ फूड यानी चिकन वेज और नॉन वेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक पैकेट 1 किलोग्राम फूड के लिए काफ़ी होता है। तो डीएमए डिलीशियस के और भी वेरिएंट, बारबेक्यू मसाला, ग्रेवी मसाला और निहारी मसाला और दूसरे मसाले इसमें गार्लिक पाउडर अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा ही टेस्ट और टेक्सचर देते हैं खाने में। तो इसे आप वेज या नॉन वेज दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ 35 ग्राम का ये पैकेट है और 1 kg फूड के लिए आप इसको, जैसे मैंने बताया, यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। तो इस पूरे पैकेट को हमने करीब 150 ग्राम दही में मिक्स करना है और उसे हमें मैरिनेट करेंगे अपने वेज या नॉन वेज फूड को, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो आइए इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं डीएमए डिलीशियस आपके खाने को डिलीशियस कैसे बनाता है। दोस्तों इस मसाले को यूज़ करने के बाद आपको इसमें सिर्फ प्याज जो है वो फ्राई करने हैं और डायरेक्ट मैरिनेटेड किया हुआ चिकन या आपका वेज जो भी खाना है आप इसमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको अदरक और लहसुन मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन हल्दी और मिर्च भी इस मसाले में अवेलेबल है। तो डीएमए डिलीशियस काफ़ी अच्छा आपके खाने को बना देगा। दोस्तों चिकन जो है मैंने 1/2 kg यूज़ किया है, तो मसाला भी मैं इसमें 1/2 पैकेट ही डालूंगा। तो करीब 75 ग्राम इसमें मैंने दही लिया है और इसमें 1/2 पैकेट यानी 35 ग्राम का पैकेट था, तो 1/2 इसमें डाल दही में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को अच्छे से फेंट लें ताकि इसमें कोई लम्ब ना रहे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन पीसेस को इसी में हम डाल के अच्छे से मैरिनेट करेंगे और 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक आप इसमें रखना है। उतनी देर में आपका प्याज जो है वो भून कर रेडी हो जाएगा। तो बहुत इजी रेडीमेड आपको ये मसाले अवेलेबल हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा डीएमए डिलीशियस। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। तो डीएमए डिलीशियस को मसाले में, दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन के पीसेस इसमें डाल देते हैं और मसाले में अच्छी तरह से इनको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 20 मिनट तक इसको साइड में ढक कर रखते हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, तो 15 से 20 मिनट तक इसको मैरिनेट करते हैं। तब तक हम प्याज जो है वो भून लेते हैं। तो एक पैन में या प्रेशर कुकर में आप मस्टर्ड ऑयल में प्याज, 3 से 4 प्याज लेके, लॉन्ग स्लाइसेस जो मैंने कट किए थे उनको हम तल लेंगे डार्क ब्राउन होने तक। प्याज को पकने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, जब तक ये डार्क ब्राउन होते हैं हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाएगा। प्याज हमारे भून चुके हैं, अब इसमें डालते हैं टमाटर। 2 टमाटर हमने प्यूरी करके रखे थे। टमाटर को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें, और मसाला जैसे ही तेल छोड़ने लगे तो
इसे हम मैरिनेट की हुआ चिकन डाल देंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारी रेसिपीज़ कैसी हैं, ताकि हम उनको और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डीएमए डिशेज़ को ट्राई जरूर कीजिएगा। मसाला दोस्तों हमारा भूनकर रेडी हो चुका है, अब इसमें डालते हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन। कितना ईजी है, चिकन इसमें डालने के बाद इसे मिक्स करें और 15 से 20 मिनट लगेंगे चिकन को अच्छी तरह से कुक होने में। सॉफ्ट होने तक इसको हमें कुक करना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा डीएमए डिलीशियस चिकन ग्रेवी बनकर रेडी हो चुका है, तो ट्राई करते हैं इसे और आप भी ट्राई कीजिएगा। तीन बोले सर, भी तीन नहीं है, मैं तीन करेंगे, मैं दो देंगे, मैं कल मैंने मतलब ज़्यादा चूक होने का नहीं, इस साल मैं बोलूँगा कि मैं पैसे भी देंगे कल। Please like, share and subscribe and thank you for watching.